हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 4 देखने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने 3 पार्ट इसके कवर कर चुके हैं और आज इसके पार्ट 4 को देखना है, जिसमें पार्ट 3 तक हम लोगों ने 18 रूल्स देखे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो हमेशा किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में उस रूल से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। SSC में खास करके उस रूल से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। हमेशा कॉमन एरर्स में एक रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रहता है। तो यदि आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है 3 पार्ट का, तो उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देख ले। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्लेलिस्ट में टोटल 18 रूल्स हैं और 3 वीडियो हैं पार्ट 3 में, और ये है पार्ट 4। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 19 से। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं इंग्लिश वेब एकेडमी पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी विथ हिंदी मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स अपलोड किए जाते हैं, तथा कि जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए इस ग्रामर रूल्स प्रैक्टिस वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी इस पे स्टडी मटेरियल्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। तो देखते हैं, हमने इससे पहले देखा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कि प्लूरल, देखने में प्लूरल दिखते थे लेकिन उनका अर्थ सिंगुलर के सेंस में यूज किया जाता था, और कुछ सिंगुलर थे प्लूरल के सेंस में यूज किया जाता था। अभी ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं और उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के रूप में किया जाता है, उसका प्लूरल कभी नहीं बनाया। जैसे फर्नीचर, फर्स्ट वर्ड है फर्नीचर, ये तो बहुत बार पूछा जाता है। इससे एरर में हम बताएंगे क्या पूछा जाता है। तो ये फर्नीचर है, इसे हम फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, यह रॉन्ग हो जाएगा, यह हमेशा फर्नीचर ही रहेगा। एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, पोस्टेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, बिहेवियर, एयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, वेस्टेज, मनी और ज्वेलरी। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिस भी वर्ड के नीचे मैंने रेड लाइन खींची है, ये इस वर्ड से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसको हमेशा प्लूरल बना के देता है कॉमन एरर में, जबकि इसे प्लूरल नहीं होना चाहिए, इसमें SES नहीं लगना चाहिए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यह है कि द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड अस, जो सीनरी है वहाँ का दृश्य कश्मीर का इंचेंटेड अस, मैंने हम लोगों को इंचेंटेड किया, काफ़ी प्रभावित किया। तो यह बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है, लेकिन पूछता क्या है, क्वेश्चन पूछता है द सीनरीज ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड अस। अब इसको सेगमेंट में बांट देगा, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और यहाँ नो एरर। अब आपको बताना है कि इसमें से किस पार्ट में एरर है। तो हम अभी यहाँ पढ़े कि सीनरी को कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसमें SES नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसके पार्ट ए में एरर है, इस सीनरी का यूज़ नहीं होगा सीनरीज का, बल्कि इसके जगह पे सीनरी का यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा, तो यह बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल है, आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड, यहाँ परसेंटेज को परसेंटेजेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऐसा वर्ड है इसको इन्फॉर्मेशंस नहीं, सूचनाएं हिंदी में बोला जा सकता है लेकिन इसे इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ही हमेशा यूज किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे खासा ध्यान में रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रहे एग्जाम्पल्स और ये सभी वर्ड्स आप इसे काफ़ी ध्यान से देख लेंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 20 की तरफ। रूल नंबर 20 कहता है कुछ नाउंस का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में ही होता है, इन नाउंस के अंत में लगे एस को हटाकर सिंगुलर कभी भी नहीं बनाया जा सकता है। जब आप इसके एस को हटा के सिंगुलर बनाने की कोशिश करेंगे तो वह वर्ड गलत हो जाएगा, या दिखने में भी प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल की तरह भी होता है। तो वर्ड्स क्या क्या हैं, वो नाउंस क्या क्या हैं देखते हैं। सीजर्स,
सीजर्स यानी कि कैंची, जो पियर वाला जो भी होता है ना उसे, जैसे कि सीजर्स में दो ऐसे होता है, दो पेयर होते हैं, एक पेयर होता है, पेयर में जो भी यूज किया जाता है उसके साथ यही कंडीशन है कि उसका सिंगुलर कभी नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि पैंट है, जैसे कि पैंट है, यह हमेशा पेयर में रहता है, तो इसलिए इसका हम कभी भी सिंगुलर नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है टॉन्ग्स, पिलर्स, प्लियर्स, पिंसर्स, बिलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज, गैलोज मतलब जो फांसी का फंदा होता है, फैंग्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, बैनकुलर्स, सनग्लासेस यानी ये सब चश्मा, जो चश्मा होता है वो भी पेयर में रहता है, उसमें दो शीशे होते हैं, इसके वजह से उसका हम कभी भी सिंगुलर के रूप में यूज नहीं करते हैं, सिंगुलर नहीं बनाते हैं, उसे हमेशा प्लूरल के सेंस में देखते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, वेयर आर माई पैंट्स, ये जो सेंटेंस है वेयर आर माई पैंट्स ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यदि कोई अगर ऐसे कहता है वेयर इज माई पैंट तो यह इरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ न इज का यूज करेंगे न यहाँ पैंट का यूज करेंगे, यह पेयर में होता है इसलिए यहाँ पैंट्स करेंगे और इज के जगह पे हमें आर का यूज करना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए सेंटेंस को। नेक्स्ट है वेयर आर द टॉन्ग्स, यहाँ भी सेम कंडीशन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है ऑल हिज एसेट्स वेयर सीज्ड, यहाँ भी सेम बिल्कुल करेक्ट। आर्म्स, इसको ध्यान से देखते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। आर्म्स वेयर गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स मतलब होता है कि भिक्षा, भिक्षा जो किसी बेगर को, गरीब को दिया जाता है उसे भिक्षा कहते हैं, तो यह पूछा जाता है। आर्म्स, यहाँ आर्म्स के जगह पे आर्म कर दिया जाता है, वाज गिवन टू बेगर्स, और ऐसे सेगमेंट में बांट दिया जाता है, तो ये सेगमेंट गलत हो जाता है, यहाँ आर्म्स वेयर ही होगा, हमेशा प्लूरल में यूज किया जाएगा, इसे खासा ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 21, यहाँ 60 लिखा गया है, 21 रूल नंबर और सबसे लास्ट रूल नंबर है। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन का वीडियो लेके आएंगे, कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट्स होंगे 20 या 25 क्वेश्चंस के, अगर उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे छूटे कभी भी किसी भी एग्जाम में, यदि क्लियर कर ले तो। तो देखते हैं रूल नंबर 21, कुछ नाउंस दिखने में प्लूरल दिखते हैं, कुछ जो नाउंस है दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उसका अर्थ सिंगुलर के रूप में किया जाता है, जब अर्थ सिंगुलर के रूप में यूज किया जाएगा तो इसके साथ जो प्रयोग किया जाएगा वर्ब वो भी सिंगुलर होगा। तो देखते हैं वो सारे नाउंस कौन से हैं। फर्स्ट न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मिसल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलीट्स, सिविक्स एंड लिंग्विस्टिक, ये वर्ड हैं और भी कुछ वर्ड्स हैं, इस वर्ड को काफ़ी मतलब ध्यान से देख लेंगे और इसे नोट कर लेंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं। न्यूज़ देखने में प्लूरल दिखता है लेकिन है ये वाकई में एक्चुअली में यह है सिंगुलर, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज करते हैं, जैसे कि नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, तो यहाँ जो यूज का प्रयोग दर्शाता है कि यह क्या है, यह एक सिंगुलर है। ठीक वैसे ही पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, जो जब पॉलिटिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में ना देख के एक इसे नाउन के रूप में देखते हैं, प्लूरल नाउन के रूप में, सिंगुलर नाउन के रूप में, तो यह यहाँ पे इज लगेगा पॉलिटिक्स के साथ, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। लेकिन एक खासा आपको बात बताते हैं जो कि पूछा जाता है एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन में है जब किसी भी सब्जेक्ट का यूज, जैसे यहाँ पे यूज किया गया इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, यहाँ इथिक्स को सिंगुलर इसलिए यहाँ डिमांड को डिमांड्स किया गया है, तो यह करेक्ट है। लेकिन जब किसी भी सब्जेक्ट को जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये इतने सारे जो इस सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एस सी एस लगे रहते हैं, दिखने में प्लूरल दिखते हैं, इनका प्लूरल के भी रूप में यूज किया जाता है, जब कोई प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में इसे यूज किया जाए, जैसे कि माई मैथमेटिक्स, आर वीक,
यानी कि मेरा जो गणित है वो कमज़ोर है, तब यहाँ आर का यूज करेंगे। ये एक्सेप्शन में होता है तो इसे ध्यान रखेंगे। मैथमेटिक्स फिजिक्स भी रहता तो सेम प्रोसेस सेम रूल्स। तो ये थे 21 टोटल रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में। आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और पिछले वीडियो को देखें जो आपने नहीं देखा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे रूल्स बताए गए हैं, वो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अब ये पार्ट ख़त्म हो जाने के बाद एक प्रैक्टिस सेशन का वीडियो अपलोड होगा जिसमें एटलीस्ट 25 या 20 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड टाइम पीरियड में। और उसमें सभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसे आप देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपके एग्ज़ाम्स में ही हमारा चैनल किसी प्रकार से भी मदद कर सके तो यह अच्छा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।